हाँ नवल जी महाराज के जय। लो माला पहनो। नवल जी महाराज के जय। बात देवे या नहीं देवे? नहीं देवे। यही बोलो आप, या बोलो कोई भी बोलो, ये बोलते जाओ भाई। बोल नवल साहिब महाराज की जय। अजमेर ट्रांबे की तरफ से नवल साहब को माला पहनाई गई है और इनकी 237वीं जयंती मनाई गई है। इस उपलक्ष में सबने माला अर्पण करके और नवल साहब महाराज का सम्मान किया है, इनको याद किया, इनको याद किया गया है। ठीक है, आपका नाम? नाम सुबह से पूजा हरि कीर्तन चल रहा है और ये शाम तक चलेगा। इसके अंदर बाहर दूर दराज से काफ़ी लोग आए हुए हैं और मंडलेश्वर यहाँ पे भजन कीर्तन कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि ये हर साल की बात ही बराबर ये चलता रहे और हमारी समाज के अंदर इसका बहुत ही उत्सव से ये कार्यक्रम चल रहा है और आगे तक भी चलता ही रहेगा। सुबह से यहाँ पे और बाहर से लोग आए हैं सत्संग के लिए। यहाँ पे सभी मंडलेश्वर यहाँ आए हुए हैं, एक एक भजन का सभी को नंबर दिया जा रहा है और शाम तक ये कार्यक्रम चलेगा। शाम को 5 बजे आरती का समय होगा, जब यहाँ आरती होगी। बोलिए महर्षि नवल साहब की जी। घारू संस्था संचालन 237वां जन्मोदिवस माघ सुदी सप्तमी अखिल भारतीय सदगुरु मातरंग ऋषि नवल धर्म सभा जिला शाखा अजमेर के तत्वाधान में मनाया जा रहा है। ये समारोह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। महर्षि नवल स्वामी जी वाल्मीकि समाज के सामाजिक हमारे धर्म गुरु हैं और हमारे कुल गुरु हैं। हम इनके जन्मदिवस पर सर्व वाल्मीकि समाज की ओर से आज जन्म दिवस समारोह मनाने पर उनको सत सत नमन करते हैं। आज का ये समारोह सायंकाल 5 बजे तक चलेगा। उसके पश्चात आरती होगी, प्रसाद वितरण होगा और वाल्मीकि समाज को महर्षि नवल स्वामी जी ने अपने तपोबल और भजन के प्रताप से ज्ञान का दीपक जला करके सत्संग का मार्ग बताया, शिक्षा पर जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए आह्वान किया और कुमार्ग को छोड़ने के लिए निर्देशित किया। महर्षि नवल स्वामी जी का जन्मदिवस माघ सुदी सप्तमी भारतवर्ष में हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जा रहा है और वाल्मीकि समाज उनको के मार्ग पर सदा चलने के लिए अग्रणी है और उनके ही मार्गदर्शन में हमें जो कुरीतियां छोड़ने का और हमारी समाज में उत्थान होने का जो एक महान जो कारण है वो नवल स्वामी जी की शिक्षा है। बहुत मेहरबानी नवल साहब। आचार्य रामस्वरूप पंवार महामंत्री अखिल भारतीय सद्गुरु मातरंग ऋषि नवल धर्म सभा जिला शाखा अजमेर।